समांतर श्रेणी के इन पदों को ज्ञात करना है। पहला पद और तीसरा पद में ज्ञात करना है, दूसरा पद और चौथा पद में दिया हुआ है। पहले हम दो पद लेंगे, n इक्वल टू 2, an 13, इसके लिए n इक्वल टू 4 और an इक्वल टू 3। दो समीकरण बनाएंगे हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू 3। an की वैल्यू हमारे पास 13 है, a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, n की वैल्यू 2 माइनस 1 इनटू 3। 13 a प्लस b, एक समीकरण आ जाएगी a प्लस b इक्वल टू 13। इसी प्रकार के द्वारा हम दूसरी समीकरण ज्ञात करेंगे, an a प्लस n माइनस 1 इनटू d, an की वैल्यू हमारी 3, a n की वैल्यू 4 माइनस 1 इनटू d, 3 a प्लस 3। दूसरी समीकरण होगी a प्लस 3d इक्वल टू 3। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट बता देंगे, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, a प्लस 3d में से और a प्लस 3 माइनस करेंगे, इधर 3 माइनस 3d, a प्लस 3d माइनस के ए और माइनस के डी इज इक्वल टू माइनस के 10, ए से ए कट जाएगा, 3d माइनस 2d, ये 2d इज इक्वल टू माइनस 10, डी की वैल्यू आएगी माइनस के 5। अब हमारे पास डी की वैल्यू है, अब हम ज्ञात कर सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a की वैल्यू निकल जाएगी, b की वैल्यू माइनस के 5, a इक्वल टू 13 प्लस 5, a की वैल्यू 18। ये हमारा a वन होगा, प्रथम पद 18 आएगा, दूसरा पद 13, तीसरा पद इसी प्रकार तीसरा पद निकाल देंगे, a 3 इक्वल टू होता है a 2 प्लस b, a 3 a 2 की जगह 13 और d की जगह माइनस के 5, a 3 इज इक्वल टू 8, तीसरा पद हमारा होगा 8। तो इस प्रकार हमारी ये समांतर श्रेणी पहला पद 18 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 8, चौथा पद 3। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, पहला पद 5, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, और नेक्स्ट पद है 9 से 1 बटे 2। अब इसमें हमारा पहला और तीसरा पद ज्ञात किया था, यहाँ दूसरा और चौथा पद ज्ञात करेंगे, तो अब यहाँ पर कुल पद है हमारे 4, n इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 5 और an इज इक्वल टू 2 18 1 19 2, n की वैल्यू 4 है, 4 पद है हमारे, प्रथम पद 5, अंतिम पद an 19/2। समीकरण में रखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, an की वैल्यू 19/2, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 4 माइनस 1 और d हमें ज्ञात करना है, 19/2 माइनस के 5 इज इक्वल टू 3d, एलसीएम लेंगे 2, 19 माइनस के 10 3d, 9/2 3d, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3d × 2 = 9, d की वैल्यू 9/2 × 3, d की वैल्यू हमारी आएगी 3/2। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद d इज इक्वल टू a 2 माइनस a 1, a 2 इज इक्वल टू a 1 प्लस d,
दूसरा भी हमारा जो होगा ए वन प्रथम पर 5, बी की वैल्यू 3/10 13/2, दूसरा पद होगा हमारा 13/2। इसी प्रकार तीसरा पद क्या करेंगे, ए थ्री इजीक्वल टू ए टू प्लस डी। अब दूसरा पद हमारा 13/2 और डी की वैल्यू हमारी 3/2, तो हो जाएगा 16/2। तीसरा जो पद होगा वो होगा हमारा 8। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी के रिक्त पदों को ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला पद ज्ञात करना है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। दूसरा पद दिया है 38 और लास्ट पद दिया है -22, तो इसमें कोई करेंगे पहले दो पद लेंगे उसके बाद तो 6 पद लेंगे। तो सबसे पहले n इक्वल टू 2 और an इक्वल टू 38, इसके लिए इधर n इक्वल टू 6 और an इक्वल टू -20। पीछे जो क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से इसकी भी समीकरण हम बनाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। an की वैल्यू हमारे पास 38, a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, n की वैल्यू माइनस 1 इंटू 2। तो समीकरण निकलेगी 38 a प्लस b, इक्वेशन बनेगी a प्लस b इक्वल टू 38। इसी प्रकार इधर दूसरी समीकरण हम ज्ञात करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू है -22, a प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी -22, a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल टू -22। वही समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, तो समीकरण सेकंड है हमारे यहाँ a प्लस 5d, फर्स्ट है a प्लस d, इधर सेकंड है माइनस के 22 और माइनस के 38। अंदर चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, माइनस के a माइनस के d और माइनस के 60 38 5d माइनस के d 4d इक्वल टू माइनस के 60, तो d की वैल्यू -60/4, तो d की वैल्यू माइनस के, अब हमारी d की वैल्यू आ गई, तो d की वैल्यू से हम याद कर सकते हैं पहला पद, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जैसे d इक्वल टू a टू माइनस a वन, और d की वैल्यू हमारे पास माइनस के 15 है, a2 की वैल्यू 38 माइनस a माइनस के 15 है माइनस के 38 माइनस के 1 माइनस के 53। पहला पद होगा a1 53, दूसरा पद है हमारे पास, तीसरा पद a3 इक्वल टू a2 प्लस d, तीसरा पद होगा a2 प्लस d, a3 हमें याद करना है, a2 की वैल्यू हमारे पास है 38 और d की वैल्यू है -50। तीसरा जो पद होगा हमारा 23। इसी प्रकार नेक्स्ट चौथा पद a3 प्लस d, अब a3 की वैल्यू हमारी आई 23 और a1 की वैल्यू आई हमारी 53। अब नेक्स्ट चौथा पद a3 प्लस d, a3 की वैल्यू है 23 और d की वैल्यू है -50। नेक्स्ट चौथा पद होगा हमारा 8।
ऐसे ही पांचवा को ए फाइव, ए फोर प्लस प्लस बी। चौथा पद हमारा आठ और डी की वैल्यू है माइनस के पंद्रह। नेक्स्ट पद हो माइनस के सिक्स, पांचवा नंबर पद होगा माइनस के सात। इस तरीके से हम रिक्त स्थान की गिनती कर सकते हैं। तो ये समाप्त श्रेणी के मेथड होगा जिसमें रिक्त स्थान को हम पूर्ति करेंगे। थैंक यू।